हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको हमारे ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ मक्के का खेती। ये हमारे पीछे देख रहे हैं आप, पूरी मक्के की खेती हो रही है। तो मक्के की खेती में क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा मतलब काहिलियत, और कहते हैं ना कर सकते हैं लेकिन करने में काहिलियत, जिसके वजह से मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। एक हमारे बिल्कुल ये जो खेत दिख रहा है, ये बड़े वाले खेत दिख रहा है, ये हमारा खेत है। और इसमें जो है नीचे ये दूसरे का खेत है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा जो है पानी के लिए लेट कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जो वो सीड्स आए हुए हैं, मतलब उसका जो फल है ना उसका आया है, लेकिन बहुत पतले पतले आए हैं उसके फल। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ फल दिखाता हूँ। ये देखिए कितने छोटे से, मतलब इतने बिल्कुल पतले पतले, और इनके जो है कीड़े उड़े भी, ऐसे देखिए कीड़े भी थोड़े बहुत लग गए हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे तो। ये हाँ, ये जो दिख रही है आपको ये वाइटनेस, ये एक्चुअली कीड़े लगने की वजह से है। और ये हमारा है जो हम लोग ने, इन्होंने अभी तक का जो है ये फल आने तक का जो है, मतलब इन्होंने दो बार पानी दिया है। एक बार जब इन्होंने इस पर खाद डाला था तभी, और एक बार जब ही ये मतलब ऑलमोस्ट सीड्स निकलने वाले थे तभी, इसके बीच में जो है ना एक बार और देना था इनको पानी, जो नहीं दे पाए इन्होंने। इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली जो अपना फर्स्ट जो ये था ना वो लेट कर दिया था, जिसकी वजह से इनका जो है मकई ये हो गया। और दूसरी जगह ये, और एक मैं मकई दिखा रहा हूँ, इससे ऑलमोस्ट 10 दिन पहले लगाया था हम लोगों ने ये सीड्स। देखिए आप, ये देखिए कितना मोटा है ये ऑलमोस्ट 10 दिन पहले लगाया हुआ है। बट इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो है पानी हो गया, खाद हो गया, जो भी इसका टाइम जो था ना वो टाइम पे हम लोग ने दिया है। और उसमें जो है टाइम पे भी नहीं दिया गया, और प्लस बीच में एक पानी का जो पानी देना था, एक पानी बीच में पैटर्न, वो गैप हो गया। गैप होने की वजह से जो है पेड़ इतना मतलब वो हो गया, अच्छा भी नहीं है, और सीड्स जो आए ना उसके बहुत ही पतले पतले। तो इसमें अल्टीमेटली जब दाना होएगा उसमें जाके ये मार खाने वाला है वहाँ पे। और उसी जगह पे ये देखिए, ये कितना मस्त पेड़। अब और भी अगर आपको मकई दिख रहा होगा इसमें, तो आपको दूर दूर से दिखाई पड़ेगा कि कितना अच्छा इसका जो है सीड्स जो इसके निकले हुए हैं कितने अच्छे हैं। और दूसरी जगह पे मैं दूसरा आपको मैं मकई दिखाने वाला हूँ, जो हम लोग ने ऑलमोस्ट इस, ये जो मकई है जो आपको ये वाला दिखाया था, जिसका मतलब सीड्स बहुत ही पतला है, इसके हम लोग ने ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद लगाया, 10 दिन नहीं ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद में, 15 डेज के बाद में लगाया, जिसमें अभी तक ये नहीं आया है, क्या कहते हैं उसमें अभी नहीं आया, दाना नहीं आया, उसमें फूल नहीं आया हुआ है। तो मैं वो पेड़ दिखाऊंगा कि इसका भी जो है ना अभी क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छा है, इसका जो तना वगैरह मतलब पेड़ की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है, तो इसमें भी ना फल मतलब अच्छा ही आएगा। क्या है ना, थोड़े से चीज़ के लिए आप ऑलमोस्ट पर बीघा के ऊपर 10,000 रुपये खर्चा करते हो, बट क्या होता है ना 1,000 रुपये का पानी देने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में आप थोड़ा ये टाल जाते हो कि नहीं यार पेड़ का तो ग्रोथ अच्छा है, अगर मैं पानी नहीं डालूंगा तो मतलब चल जाएगा। ऐसा करके क्या होता है ना, लास्ट में जब वो ये आने वाला होता है सीड्स, उसमें जब आने वाले होते हैं दाना, जब आने वाला होता है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है, आपका जो है मार खा जाता है उस टाइम पे। ये देखिए दूसरा ये है पेड़, ये खेत है दूसरा, ये देखिए कितना अच्छा है अभी वो जो पेड़, इतना बड़े पेड़ में जो है उसमें जो है ये आ गया है, क्या कहते हैं फल आ गया है। अभी ये हमारा इतना बड़ा होने के बाद इसमें अभी तक नहीं आया, इससे ये है कि इसमें जो है ना ये होता है ना कुरकुरा जाता है, जिससे मतलब छोटा ही रह गया, और उसको प्रॉपर उसको प्रोटीन नहीं मिला उस पेड़ को, तो वो क्या छोटा ही रह जाता, बट क्या वो फल फेंक देता है, जिसकी वजह से जो है ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके साथ में नहीं है, ये इतना ही बड़ा सेम ऐसे ही उधर पे है, वो साइड पे, जिसमें इतने बड़े पेड़ पे जो है फल आ गया, लेकिन इसमें अभी तक नहीं आया। इसका ये है कि इसका जो है ना ग्रोथ है ना सही हो रहा है, मतलब इसको जो टाइमिंग के हिसाब से अब इसको जो है 2 दिन के बाद वापस से इसमें पानी डाला जाएगा। 2 दिन के बाद जब हम इसमें पानी डालेंगे ना, ये थोड़ा और
ग्रो करेगा, उसके बाद इसमें जो है जब फल निकलेंगे तो वो भी मतलब वैसी जैसे मैंने आपको वाला दिखाया, इसका जो मतलब मक्का जो है उसको थोड़ा मोटापन रहेगा अच्छा, उसका मतलब उसमें दाने भी अच्छे होंगे, उसके दाने के जो टेस्ट भी अच्छा होगा, अगर आप उसको कच्चा खाएंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, प्लस उसमें दाने जो है पूरे पूरेंगे दाने। कहीं कहीं पे कोई कोई मक्के में देखते होंगे कि आप मतलब मकई में कि दाने कभी नहीं होते आप तोड़ देते, उसका जो है कारण वो यही है कि उसको जो है टाइम टेबल के हिसाब से जो है उसमें पानी वगैरह नहीं डालना ये सब। अब इसमें जो है हम लोग ने आज से 20 दिन पहले पानी डाला था, आज फिर डालूँगा पानी। उसके बाद पानी डालने के बाद क्या करना है, पानी डालूँगा तो कम से कम 10 दिन के बाद इसमें ये आ जाएंगे, फल आने चालू हो जाएंगे। जब फल आने जब चालू हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, यूरिया जो है वो छिटिया के फिर एक बार पानी देंगे। तो ये जो आपको ये वाला, ये भी सेम उन्हीं का खेत है, सेम उसके साथ में वही हालत हुआ, ये 3 बार में जो है 3 बार पानी डालने में जो है ये इसका जो फसल कट जाएगा। लेकिन जो हम जिस प्रोसेस में ये इसको ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसमें 4 बार पानी लगेगा, एक बार जो मतलब फर्स्ट टाइम जब खाद डालते हैं उस टाइम पे, और सेकंड बार एक बार और डालते हैं, फिर उसके बाद तीसरी बार जब डालते हैं जब उसमें दाना आने मतलब फल जो है छोड़ने लगता है पेड़, ऐसा जब फल छोड़ने लगता है ये देखिए ये ऐसा जब फल छोड़ने लगता है तब जो है वापस से यूरिया डाल करके एक बार पानी देंगे। फिर उसके बाद ये फल जो पूरी तरीके से जब बाहर निकल जाएगा, पूरी तरीके से सब जब बाहर निकलने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद दाना फूटता है उसमें, तो उस टाइम पर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है, दबा के पानी डालना है, जितना अच्छे से आप जो है पानी देंगे जितना उसको ताकत मिलेगा उतना अच्छा जो है दाना निकलेगा मकई के खेत में। आदमी कुछ जो भटिये लोग होते हैं जो यहाँ पे मतलब वो बाहर किसानी करने के बाद में जो यहाँ पे उन्होंने इधर पे जो किसानी करते हैं ना, तो वो एक्चुअली ना एक एक बीघा में जो है 30-30 कुंटल जो है वो निकालते हैं अपना मकई निकालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मियाँ भाई लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी जो है किसानी करने में खुद का खेत रहता है, किसानी करने में जो है थोड़ा कहीं ना कहीं कंजूसी करते थे जिस पे जो है मार खा जाते हैं, नहीं तो ऐसा मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आप समझ लीजिए कि एक बीघा में 30 कुंटल अगर आप अगर निकाल लेते हो तो जो है महीने का ये क्या कहते हैं एक बीघा में तो आपकी लागत जो है ऑलमोस्ट 10 से 11 हज़ार रुपये होती है, 10 से 11 हज़ार रुपये होता है और आपका 20,000 प्रॉफिट रहेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब उसको ऑन टाइम उसका फूड मिलेगा भाई, ऑन टाइम। जैसे क्या होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीन लगाना ज़रूरी नहीं, तो कौन सा भी वायरस पकड़ लेगा, तो ये ना पेड़ में जो है ऑन टाइम अगर इसका जो है ये इनको प्रोटीन नहीं मिलेगा, इनके ज़रूरत के टाइम पर इनको खाना नहीं मिलेगा, आप समझ लीजिए पानी और खाद हो गया इनके लिए खाना हो गया, ये खाना जितना अच्छा जैसा खाएगा वैसा ये जो है आपको प्रोडक्शन देगा। तो इनके ऑन टाइम अगर ये सब नहीं मिलेगा ना तो ऑफकोर्स आपको लॉस होने वाला है, जो कि आपका फिर जो है मनोबल जो है वो गिरता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है गिर जाता है कि आदमी को यार किसानी में क्या रखा है, इतना करने के बावजूद भी मतलब घाटा लग जाता है। घाटा जहाँ पे लगता है ना वो इसी वजह से लगता है, कहीं ना कहीं अपनी खुद की जो है ये क्या कहते हैं मतलब आदत से मजबूर हो जाते हैं कि मतलब कर सकते हैं वो चीज़ जो है ऑन टाइम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जो है पैसे की भी मजबूरी रहती होगी शायद इसके वजह से ऑन टाइम जो है सब कुछ इनको अपने फसल को नहीं दे पाने की वजह से ऐसा मतलब हो जाता है। बट ये है कि यार अगर खेती कर रहे हो तो फिर अच्छे तरीके से करो, नहीं तो मतलब नहीं, क्योंकि आपका जब कॉन्फिडेंस लो अगर गिर जाएगा ना कोई चीज़ में, दिल मन से अगर आप काम कर रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो अच्छा नहीं है। और फिर वापस से हम चलते चलते हमारे जो है मकई के जो आपको मैंने पहले दिखाया था बड़ी वाली जो है जो मतलब मेरा फर्स्ट जो वो है लगाया, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इसका ये फल देखिए, देखेंगे तो मस्त पेड़ भी इसमें देखिए। इसमें और भी बात है कि अगर पेड़ अच्छा होगा बहुत मजबूत रहेगा उसको अच्छे से प्रोटीन मिला रहेगा ना, वो आपको दो तो देगा दो मतलब देगा जिसमें फुल बड़ा रहेगा, मतलब दो फल बड़े रहेंगे, और हो सकता है कि और अगर अच्छा अगर फल में अगर बहुत अच्छी वो रहेगी तो आपको 3 फल मिल सकते हैं। तो एक देखिए एक फल यहाँ पे एक ये है
दूसरा ये है, और एक और ये यहाँ पे जो है नीचे यहाँ पे एक और आया हुआ है। तो देखिए इसका ये निशानी है कि आप अगर इतने मतलब मखई में अगर आपके दो से अगर ज़्यादा अगर ये निकलता है, मतलब मुक्चा निकलता है, और ये देखिए कितना मस्त, देखिए कितना मोटा, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये निकले हुए हैं ऑलमोस्ट। ये जो दूसरे वाली मखई है इससे जो है, ये दूसरे का मखई है, इस मखई से जो है ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हमारा जो है पहले लगाया हुआ है। बट इसका जो है प्रोसेसिंग जो है हमने जो है इसका जो किया बहुत अच्छे से किया, जिसको वजह से इसका जो है फल बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे पेड़ है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं तीन मखई आया हुआ है। ये देखिए एक एक ये है, एक ये है, और एक इधर देखिए नीचे आया हुआ है। ऐसे देखेंगे तो इसमें भी आया हुआ है, ये देखिए एक ये, एक फिर ये, फिर एक ये, ऐसा आया हुआ है, समझे। तो आपका जो है जितना अच्छा जो है मकई का जो क्या कहते हैं उसको दाना पानी ऑन टाइम जो भी है इसका जो प्रोटीन, एक्चुअली आप देखेंगे तो इसका दाना ये अपना खाद हो गया, यूरिया हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज़ हो गया ना भाई, इनके लिए प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो इनको अगर आप इनका ऑन टाइम अगर ये सब देंगे तो आपका प्रोडक्शन जो है अच्छा निकलेगा। एस्टीमेट जो हमारा ये 2 बीघे का हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसका जो एस्टीमेट है निकलने का कम से कम 30 दूनी 60 कुंटल करके निकलने का इनका एस्टीमेट है। लेकिन हम मानते हैं कि चल भाई 60 नहीं, कम से कम 25-25 कुंटल करके अगर निकल जाएगा तो हमको जो है इसमें अच्छे ऑलमोस्ट 30,000 जो है प्रॉफिट होएगा। तो अच्छा रहेगा अगर प्रॉफिट, अगर 30,000 अभी तो मतलब उसका जो है अच्छा ये है, ग्रोथ अच्छा है। और इसको जो है हम जो है 5 दिन के बाद वापस सब पानी देने वाले, क्योंकि ये जो सीड्स निकले हैं ना अब इसमें जो है कुछ दिनों में मतलब 5-6 दिन में दाना निकलने वाला है, तो इसमें जो है अब हम पानी डालेंगे जिसकी वजह से दाना जो है ना वो अच्छा मतलब मोटा फूलेगा, उसको ताकत मिलेगा, तो जितना अच्छा उतना अच्छा इसका जो है दाना निकलेगा। और भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखिए हम लोगों का ये है धनिया का, ये गार्लिक का, ये है गार्लिक का पेड़ है ये, और इधर पे हम लोगों ने जानवर के लिए घास लगाया हुआ है। ये देखिए ये इतने बड़े जगह पे ऑलमोस्ट जो है 1.5 बीघे का जो हम लोग ने जानवर के लिए 2 गाय है जिसके लिए हम लोगों ने ये लगाया हुआ है। इंसान तो खाता ही भाई जितना अच्छा से अच्छा हो सके, लेकिन जानवरों को भी खिलाना है, क्योंकि अगर जानवर को आपको खिलाओगे नहीं उतने अच्छे से तो उनका अच्छा हेल्थ नहीं रहेगा और उतना अच्छा आपको मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं देगा। तो इसके लिए जानवरों के लिए भी सोचना, उनको हेल्दी खाना देना है, खाली सूखा चारा पे नहीं पालना है, क्योंकि भाई उनके भी जान है, उनके भी उनको जानवरों को देखेंगे तो आप हरे चारे से जो है बहुत ही प्यार है उनको, हरा चारा जब उनको मिलता है तो बिल्कुल टूट पड़ते हैं खाने के लिए, तो इसकी वजह से उनका जो हेल्थ भी अच्छा होता है। और ये पीछे हम देख रहे हैं ये हमारा मकई है, ये आज से मैं 20 दिन पहले जो है मेरा इतना आ रहा था, आज तो मैं मेरे से बहुत ऊपर चला गया है इसमें यूरिया और पानी देने के बाद में, ये बिल्कुल आसमान छू गया भाई। और इस बार की मतलब प्रॉफिट ये है, ये देखिए कितना कितना ऊपर चला गया। इस बार का प्रॉफिट ये है कि हर बार से जो आपका इसका मकई का जो खेती होता था ना, इस बार जो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% जो है किसानों ने इस चीज़ का खेती किया। इससे पहले जो है ना ये सब सारी आगे की मैं खेतें बता रहा हूँ, इसमें गेहूँ लगाया, गेहूँ तो ऑलमोस्ट लगाने पब्लिक ने छोड़ दिया था। तो ये देखिए पूरा जो है ये खेतें जो है ये सब मकई से भरा होता था, लेकिन अब जो है नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना 1,000 रुपये कुंटल के हिसाब से जो है मकई बिका था, जो मतलब कहीं ना कहीं खुद की मतलब काहिलियत की वजह से जो है इतना कम वो हुआ था और लॉस हुआ था आदमियों को। इस बार ने जो है लगाना छोड़ दिया। अगर कोई चीज़ भी अगर आपको ना भाई किसानी भी एक बिजनेस है तो इसको बिजनेस पर्पस से आपको ये करना है कि इसका बराबर टाइमिंग पे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सब कुछ देखभाल, ये तो मतलब नहीं है। तो अगर एज अ बिज़नेस पर्पस आप लगे हुए अच्छी तरीके से लगे हुए तो आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। अब ये सोच लो कि यार मैं दाना फेंक दूंगा और हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला भाई। मतलब घर की मुर्गी जो होती है ना दाल बराबर होती है, हाँ
मुर्गी सस्ती होती है, लेकिन जब उसका मसाला वसाला पड़ता है तो दाल महंगी हो जाती है, समझे। 100 रुपये फिर पड़ ही जाता है, 100 रुपये किलो दाल के हिसाब से, तो वो वाला हिसाब है। तो जितना अच्छा आप मेहनत करोगे उतना अच्छा एग्रीकल्चर में। तो भाई गिर गया मैं कैमरे में देखते देखते जो है नीचे गिर गया, ये देखो ऐसा बड़ा आल है, इस वजह से नीचे गिर गया था। तो अभी ये है कि कोई भी खेती करो आप, चाहे गेहूं की खेती करो या कोई चीज़ की भी खेती करो, एज अ बिजनेस पर्पस ये कि भाई कहीं काम करते हो अगर आप, तो 500 रुपये दिहाड़ी है या फिर कोई पीस रेट पे या फिर आंग पे लेके काम करते हो, तो कैसा जिस हिसाब से ना वैसा आपको जो है अपने खेती पे ही खेती में भी देना पड़ेगा, जिसके हिसाब से जो है आपको जैसा आप मेहनत फेंकोगे उसके ऊपर वैसा जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो मतलब नहीं है खेती करके, समझे। तो अभी ये हम लोग जो है वापस एक राउंड मार दिए, अब हम लोग जाके आपको दिखाएंगे, पॉसिबल होगा तो दिखाएंगे कि एक जगह पे मकई में जो है फर्स्ट टाइम उसमें पानी डाल रहा हूँ, कितना छोटा छोटा पौधा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो कितना छोटा पौधा है जिसमें जो है अभी जो पानी डाल रहे हैं। चलिए तब तक के लिए मैं आपको ये कैमरा पॉज करता हूँ मेरा, और वहाँ पे चलता हूँ जहाँ पे जो है अभी पानी डाल रहे हैं दादा लगेंगे, वो अपने मकई में फर्स्ट टाइम पानी डाल रहे थे। अभी जो उनका मकई का जो ग्रोथ है ना उससे जब भी छोटा था ना तब हमने फर्स्ट टाइम पानी दिया था, अभी उनका थोड़ा बड़ा हो गया वो उस टाइम पे, कहीं ना कहीं ये गलती भी है वो इतना लेट पानी दे रहे, जिसकी वजह से बाद में क्या होता है ना वो ग्रोथ उसकी होती है टाइमिंग ग्रोथ होती है, और उसके बाद वो छोटे में जो है वो फेंक देता है, सीड्स फेंक देता है, जिसकी वजह से जो है नुकसान होता है। चलिए तब तक के लिए बाय, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि पानी जो है कितने छोटे मकई के कितने छोटे पौधे पे जो है पानी देते हैं, और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। चलिए एक यूनिक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, मतलब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ये इसका मतलब फल ऐसा कैसा हो सकता है। ये देखिए ये बिल्कुल ऊपर ही, मतलब मकई है ना बिल्कुल खुला ऊपर मकई आ गया, ये पता नहीं कैसे हो गया। ये देखिए इसके कपड़े भी उतर गए, और इसमें मतलब ऊपर से कुछ भी नहीं है इसका जो, ये देखिए डायरेक्ट दाना फेंक दिया है, मतलब ये फर्स्ट टाइम यूनिक है। ये देखिए यूनिक मकई बिल्कुल, ये देखिए इसमें दाना भी फेंक दिया है, करीब से मैं दिखाऊँ, ये देखिए दाना भी फेंक दिया, ये देखिए कैसा हो गया है। ये आई थिंक इसका जो है यहीं पे जो है इसका ये फेंका था और ऊपर से जो है पेड़ मर गया है, और दूसरा ये एक्चुअली टॉप में होता है, ये जो है ना ये टॉप में होता है, यहाँ पे से जो है कीड़े ने काट दिया, जिसको जैसे ये मकई के जो है कपड़े उपड़े भी उतर गए। ये बिल्कुल यूनिक में अभी देखा, बाकी आपको आगे चल के मैं दिखाने वाला हूँ कि, और हाँ ये जो मकई जो आपको मैंने दिखाया ना ये वैसा मकई जो आप शहरों में ख़रीदते होंगे ना, बिल्कुल बड़े से भुट्टे होते हैं ना जो जूहू चौपाटी वगैरह में जो बिकता है 80 रुपये का 90 रुपये का, वैसा मतलब भुट्टा ये निकला है। देखिए ये इतने मोटे मोटे ये भुट्टे निकले हैं, ये देखिए इतने मोटे मोटे। और चलिए फिर मैं आपको जो है आगे जो है पानी जो है डाल रहा है खेतों में वो दिखाने वाला हूँ, और कहाँ से पानी हम लोग लेके जाते हैं और कहाँ से मतलब खेत में डालते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है बोरवेल है, इस बोरवेल में से डालते हैं पानी। धूप है पश्चिम के तरफ से जो है सन है, इधर पे धूप है, और ये जो है छोटा छोटा मकई का पौधा है यहाँ पे, ये हमारे एक चाचा है उनका है, उन्होंने लगाया हुआ है। आपको यहाँ पे आवाज़ आएगा दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये बोरवेल है, बोरवेल नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे तो बोरिंग कहते हैं आप लोग के भाषा में, अपने अपने भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। और ये हम लोग ने कल जो है वाइट पाइप है ना, ये कल में हम लोग ने पाइप खरीद के लेके आया था, ये मशीन से ऑलमोस्ट जो है ये पूरे इलाके का 50% जो है इसी मशीन से जो है हम लोग पानी पटाते हैं। ये इधर से पानी गया, पाइप गया ऐसा सीधा जो है जहाँ पे पानी पटा रहा,
वहाँ पे गया है। और ये साइड में आप देख रहे होंगे तो ये जो है ऑलमोस्ट ऐसा खाली लग रहा है, लेकिन इसमें दाल की खेती हुई है, जो मसूर की जो है ना, मसूर की दाल है ये, उसकी खेती हो रही है। और आगे जो है आपको ये दिख रहा है, ये भी जो है मसूर का ये दाल का खेती हो रही है। और ये जो है पानी का पाइपलाइन है, ऐसे ऐसे गया है। कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2300 का पाइप खरीदा, उसमें घाटा क्या लग गया पता है क्या? एक जगह पे पाइप जो है काना निकल गया। अब लगा दिया तो अब वापस मतलब काना तो होना ही है, इतना वापस नहीं लेके गए हम लोग, समझे। अब इसी की वजह से मतलब इससे पहले हमारा पुराना पाइप था जिसकी वजह से पानी निकल जाता था, जिसकी वजह से जो है हम ये करते थे। ये देखिए जो आपको बोल रहे थे ना, पाइप जो है फटा निकल गया है ये जगह पे, ये देखिए ये पानी बाहर आ रहा है, उसमें जो है पानी कम निकले उसके लिए ये लगा दिया है इन्होंने कुछ। और ये जो है पुराना पाइप है हम लोगों का, अभी नया पाइप लेके आए, क्योंकि भाई क्या होता है ना इससे कि जिनको भी मतलब जिनके खेत तक हमारा पाइप नहीं पहुंच पा रहा था उन तक को जो है पानी देने के लिए नया पाइप खरीद के लेके आया था। और ये जो है खटिया दादा, इनका नाम है खटिया, मतलब सीआर खटिया, यहाँ पे बिहार में किसको कहते हैं, सीआर को कहते हैं। और सीआर मतलब वो जो बड़ा सा लकड़बग्गा है, इस थिंग लकड़बग्गा को शायद खटिया कहते हैं। तो इनको ना पब्लिक जो है यहाँ पे खटिया करके बोलते हैं, खटिया मतलब कि लकड़बग्गा, लकड़बग्गा। तो इनका जो है वो लास्ट तक, वो लास्ट गेहूँ का खेत दिख रहा है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके ये टावर तक का इनका खेत है। और ये अपने मकई को फर्स्ट टाइम पानी दे रहे हैं, ये हम लोग के दादा लगेंगे तो हम लोग इनको मजाक से जो है खटिया दादा कह देते हैं। और ये इनका जो है साहबजादे हैं, लड़के हैं इनके, ये दबा के पानी डाल रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। ये 20 दिन के बाद में ना ऑलमोस्ट जो आपको मैंने वाला खेत दिखाया ना, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। ये पानी मतलब इसके लिए प्रोटीन हो गया है, ठीक है। और इन्होंने कुछ जो है पेड़ भी तोड़ दिए है खटिया दादू ने। कितने पेड़ तोड़ दिए हैं भाई? 3 पेड़ तोड़े हैं ये पानी डालने में, ठीक है। ये 3 पेड़ टूटने का मतलब है कि अच्छा खासा लॉस। अगर 20 रुपये किलो अगर रहा मकई, तो 1 पेड़ में से जो है 1 किलो निकल ही जाता है मकई। हाँ, 3 पेड़ तोड़ा है तो 20 दूनी 60 मतलब कि ऑलमोस्ट जो है 60 रुपये का इन्होंने जो है अपना घाटा लगा दिया है। और ये देखिए इतने इतने छोटे छोटे पौधों में जो है मकई के पानी दिया जाता है। ये देखिए कितने बित्ते का है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 4 बित्ते का जो है इन्होंने, 4 बित्ते का होने के बाद इन्होंने पानी दिया। लेकिन हम लोग ने जब भी पानी दिया था ऑलमोस्ट 2.5 या 3 बित्ते का जो है रहा होगा, मतलब बिलस 2.5 से 3 बिलस का रहा होगा, तब हमने पानी दिया था। जिसको जैसा हमारा जो है, और पहले देना था जिसको जैसा हमारा ग्रोथ अच्छा रहा। और ये देखिए ये पानी जो है इसमें डाल रहे हैं, अच्छे से इन्होंने पानी पिला दिया है। अब इसका जो है सिर्फ पानी के ऊपर ही ग्रोथ है भाई, जितना अच्छा सा पानी खाएगा, क्योंकि मौसम जो है गर्मी का हो गया, तो जितना अच्छा पानी इनको मिलेगा उतना अच्छा इनका ग्रोथ होएगा। टाइमिंग जो टाइम है ना, टाइम ऑन टाइम देना पड़ेगा इसका, प्रोसेसिंग जो है ना टाइम पे ही देना पड़ेगा। नहीं तो सोचेंगे कि आदमी कभी भी मतलब जब मन कहा जब दे, तो फिर वही नेचर है ना, फिर अपने मन से आप नेचर को अगर अपने मन से खेलोगे तो आपको नेचर भी अपने मन से देगा। तो नेचुरली जो टाइमिंग लगता है उसको आपको वही टाइम पे ही देना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 10 बजे चालू किया था, लेकिन अभी भी जो है इनका चल ही रहा है पानी। और ऐसा मुझे जहाँ तक लग रहा है जो शाम भी हो जाएगा और हमारे पास तेल भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को तेल भी लाना पड़ेगा इनका जो है पानी देने के लिए, क्योंकि फसल में पानी देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है फसल में पानी देना। नहीं तो जो है उसका प्रॉफिट लगाने के टाइम पे एक एक जो है बीज, 4 किलो का बीज होता है ऑलमोस्ट 2000 से लेके 3000 के बीच में 4 किलो का पैकेट आता है वो, समझे कि नहीं।
एक पैकेट में इतना आता है, और ऐसे आप ख़रीदने जाएंगे तो मकई वो तो लगा नहीं सकते, जो हम लोग यहाँ से प्रोडक्शन जो निकलता है वो नहीं लगा सकते। लेकिन जब आप बीज ख़रीदने जाओगे तो आपको बहुत ही महंगा मिलता है। अगर 2000 रुपये के हिसाब से भी अगर केजी अगर 4 किलो मिलता है तो ऑलमोस्ट 500 रुपये केजी सीड मिलता है, इसका जो बीज मिलता है। तो यही है प्रोसेसिंग मकई का, जो हम लोग बाहर जो खाते हैं तो अब मैं तो कितना टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग है मकई का निकलने में ऑलमोस्ट 6 महीने लगते हैं इसको जो है हार्वेस्ट करने में, फाइनली उसका जो है प्रोडक्शन निकालने में। और खाने के लिए अगर आप जो मकई जो हमारे यहाँ पे जूह चौपाटी वगैरह में जो है भूज के जो खाते हैं ना, उसका जो है 5 महीने में जो है वो रेडी हो जाता है, 1 महीना बचता है, 5 महीने में जो है वो रेडी हो जाता है खाने के लिए, मतलब भूजने के लिए इतना टाइम जो है मेकिंग लगता ही है, इससे कम टाइम नहीं लगता है। तो भाई इतना मेहनत रहता है, और हम लोग मुंबई में तो इसका अच्छा कॉस्टली है, लेकिन किसान को इतना अच्छा कॉस्ट नहीं मिल पाता है। एक एक भुट्टा जूहू चौपाटी में ऑलमोस्ट 70 से 80 रुपये में जो है बिकता है, और लेकिन किसान को कितना मिलता है एक एक भुट्टे पे, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को जो मिलता होगा ना 5 से 6 रुपये, से ज़्यादा नहीं मिलता होगा। अब कहीं भी मार्केट में जब जाएंगे ना, जो किसान से जब लिया जाता है ना, तो इतना सस्ते में कहीं ना कहीं जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से किसान को डायरेक्ट जो है प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। किसान को अगर डायरेक्ट प्रॉफिट मिले ना, तो जो जो इंसान का आदमी का 10-12 बीघा जो ज़मीन है उसी में अगर खेती करेगा ना, उसको कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं उसको जो है एक्चुअल जो है इसका प्राइस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो है जॉब्स करने पड़ते हैं यहाँ के लोगों को, और हमारे अक्रॉस द इंडिया मतलब हमारे यहाँ के जो किसानों को। और कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि भाई आदमी जो है उन गवर्नमेंट को नहीं चूज़ कर रही है आजकल, जो आपको एग्जैक्टली जो आपके लिए अच्छा कर सकती है। इससे पहले जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट तो उन्होंने अच्छा मतलब इस किसान का जो ये था अपना मार्केट वगैरह था उसका अच्छा ये किया था, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है किसानों के लिए जो है इवन मार्केट भी अच्छे नहीं कि उनको अच्छे में से कि उसका ट्रांसपोर्टेशन सब इजी, सब लोकल मतलब प्राइवेटाइज है, यहाँ पे जितने भी जो ख़रीददार हैं ना सब प्राइवेटाइज है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर का ये रहता तो जो है बहुत अच्छा, गवर्नमेंट अपना MSP के ऊपर अगर दाम ले प्राइस अगर ये लेता तो बहुत अच्छा होता है। और हमारे साथ में कुछ बच्चे लोग आ गए कि हम लोग भी जो है वीडियो में आएंगे। ये देखो इसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? शादाब बाबू। और तुम्हारा? साम परवेज। और तुम्हारा? सार बाबू। सार बाबू को पॉरोटी क्यों कहते हो तुम लोग, ये बताओ? इसलिए। अच्छा हाँ भाई, उसको पॉरोटी इसलिए कहते हैं, यहाँ पे एक जो है पाव होता है जो मतलब ऑलमोस्ट उसके सर के जैसा, वो कह रहे कि मतलब ऐसा होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको पावरोटी बोलते हैं। चलो ये तो मजाक की बात हो गई, पावरोटी और ये वो। बच्चे लोग आ गए तो मैं आप लोगों को दिखा दिया, ये देखिए अपना, बहुत ही ख़तरनाक बच्चे लोग हैं ये, क्रिकेट वगैरह बहुत अच्छा से खेलते हैं। हाँ ये सब डॉन है, समझ लो अपने जनरेशन के जो है इन लोग, ये जो है डॉन है। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि भाई जो भी है अगर दिल मन से अगर ये चीज़ को अगर करोगे, जैसे आप किसी के काम करने के लिए पैसा पाने के लिए कैसा करते हो ना, इतने अच्छे से अगर आप करोगे ये तो आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नल्ला बन रहे, सन्नाटा वाला काम है। और ये देखिए आपको मकई का खेत दिखा देता हूँ और भी अच्छे से, ऑलमोस्ट यहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर जो खेती हो रही थी मकई की, इस बार नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि उसको MSP पे जो है यहाँ पे सेल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे दाम नहीं मिल रहा है। और बाकी देखेंगे आपको जो है उसके बाद हम इसका क्या ग्रोथ होएगा, नेक्स्ट टाइम हम आपको वो दिखाने वाले हैं मकई का। अभी तक तो इसके जो है दाढ़ी मोच निकल चुके हैं मकई के, ये देखो। और ये देखो कितना बदमाश है ये, इसने जो है तोड़ दिया इसके। बाय बाय, तब तक के लिए बाय। चलो सब लोग बाय बोल दो। चलो बाय बाय।